नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के लिए इस समय एक फिर से राहत भरी खबर आई है। तबलीगी जमात के लोगों से संपर्क में रही कोरोना पॉजिटिव रही महिला, इस समय उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इतना ही नहीं, उससे आज नागरिक कोविड अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई और इसी के साथ सिरसा पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया, यानी सिरसा फिर से ग्रीन जोन में आ चुका है। लेकिन इसके लिए कुछ इंतज़ार अवश्य करना पड़ेगा, लगातार लॉकडाउन की पालना भी करनी पड़ेगी। जब आज महिला नागरिक कोविड अस्पताल से छुट्टी पर घर लौटी तो इससे पहले डॉक्टरों ने तालियों के साथ महिला का स्वागत किया और इसी के साथ अस्पताल से विदा भी किया, जिसके बाद सिरसा के चारों कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि इसी के साथ इन सभी को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन किया गया है और इसी प्रकार से कई जिलों से ये खबरें आ रही हैं, हरियाणा में खासकर, कि कोरोना पॉजिटिव जो भी मरीज पाए गए थे उनमें काफ़ी सारे ठीक हो चुके हैं और वे अपने घरों को लौट रहे हैं। हरियाणा में इस समय बढ़ती कोरोना पॉजिटिव की तादाद शायद कम हो जाए, ये एक प्रकार से अच्छे संकेत भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सभी को करनी होगी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोरोना से हम जंग जीत चुके हैं। फिलहाल ये शहरवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है, हम सबको कुछ देर और इंतज़ार करना होगा। कोरोना को अगर बिल्कुल ख़त्म करना है, पूरे देश से भगाना है, तो आप सबको घर पर रहना होगा। और हम भी आपसे बार बार अपील करते हैं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वायरस बेहद खतरनाक है। हमें खुद भी सचेत रहना है और औरों को भी सचेत करना है। इसी के साथ आप देखते रहिए पल पल की ये खास रिपोर्ट।